हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोनिकल प्रोजेक्शन में जो तीसरा है, दैट इज़ बोन्स प्रोजेक्शन। कुछ लोग इसको बोनी प्रोजेक्शन ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोन्स प्रोजेक्शन बोलेंगे इसको। ये एक मॉडिफाइड कोनिकल प्रोजेक्शन है। इट इज़ अ मॉडिफाइड कोनिकल प्रोजेक्शन। कोनिकल प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम अब दोबारा डीप में नहीं जाएंगे। सिंपली किसी भी एक स्फीयर पे अगर हम लोग कोन एज अ डेवलपेबल सरफेस यूज करते हैं, देन इट इज नोन एज अ कोनिकल प्रोजेक्शन। इसको पहली बार रिगोबर्ट बोन इन्होंने बनाया था, और इन्हीं के नाम पे हम लोगों ने ये बोन्स प्रोजेक्शन रखा है। बोन्स प्रोजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, दैट इज बोन्स होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन। होमोलोग्राफिक इसलिए बिकॉज ये एक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है। इसमें जो भी मैप हम लोग दिखाते हैं उसका एरिया, मतलब एरिया विद रिस्पेक्ट टू स्केल, जो भी स्केल दी है वो एरिया डिस्टॉर्ट नहीं होता है। वो एरिया जैसा हमारा ग्लोब पे है उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो स्केल ली हमने वैसा ही मैप पे दिखता है। इसका मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन जो वन स्टैंडर्ड पैरेलल है उससे मिलता जुलता है। थोड़ा सा बेसिक चेंज होता है जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो प्रोजेक्शंस बनते हैं उसमें काफ़ी चेंज होता है। ओके, सो हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विद यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स कंस्ट्रक्ट अ बोन्स प्रोजेक्शन। क्या क्या दिया है हमारे पास? पहला RF, दैट इज 1:1:5, 000, 000, डिग्री इंटरवल इज 15 डिग्री, स्टैंडर्ड पैरेलल इज 45 डिग्री, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 15 डिग्री नॉर्थ टू 75 डिग्री नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज 30 डिग्री ईस्ट टू 150 डिग्री ईस्ट। तो ये डिटेल्स हम लोग को दी हुई हैं। अब इन डिटेल्स को यूज़ करके हम लोग बोन्स प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें रेडियस कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्शन का, जो पहले भी हम लोग दोनों प्रोजेक्शन में देख चुके हैं, वन स्टैंडर्ड पैरेलल, टू स्टैंडर्ड पैरेलल दोनों में। एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ हम लोग 635 000 000 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, और रेडियस निकालने के लिए हम लोग जो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है 635 000 000, इसको जो RF है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिकॉज RF फ्रैक्शन में है, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:25 000 000 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो रेडियस ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा 5.08 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों को अभी आगे यूज़ करना है। सो रेडियस ऑफ प्रोजेक्शन R इज इक्वल्स टू 5.08 सेंटीमीटर। सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन करना बोन्स प्रोजेक्शन का। इससे पहले हम लोग हमारा बेसिक फिगर जो एंगल्स वाला फिगर होता है उसको हम लोग बनाएंगे, जैसे हम लोग ने वन स्टैंडर्ड पैरेलल, टू स्टैंडर्ड पैरेलल दोनों बनाया था। तो रेडियस ऑफ प्रोजेक्शन हमारा आया था 5.08 सेंटीमीटर। तो एक हम लोग 5.08 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर खींच लेंगे। विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5.08 सेंटीमीटर, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमने बना ली। सिमिलरली 5.08 सेंटीमीटर की लाइन हम लोगों ने वर्टिकल भी खींच ली, ताकि हमारा सेमी सर्कल बन जाए, सॉरी क्वार्टर सर्कल। अब हमने अपना कंपास लिया और यहाँ पॉइंट पे रखा, और ये हमने पूरा सर्कल, सॉरी एक क्वार्टर सर्कल बना दिया। तो ये हमारा बन गया एक क्वार्टर सर्कल। इसकी लेंथ हमारी है 5.08 सेंटीमीटर। ओके, हमारा डिग्री इंटरवल था 15 डिग्री, और जो हमारा लैटिट्यूडल एक्सटेंट था दैट वाज 15 डिग्री नॉर्थ टू 75 डिग्री नॉर्थ। ओके, तो हम लोग सारे एंगल्स बनाएंगे अब। तो हम लोग ने यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर रख लिया है। अब सबसे पहले 15 डिग्री का एंगल हम लोग बनाएंगे। तो ये 10, ये 15 डिग्री का आर्क लगा लिया हम लोगों ने, पॉइंट लगा लिया। अब हमारा हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमारे 15 डिग्री इंटरवल पर जो जो भी लैटिट्यूड्स आएंगे उन सब के एंगल्स हम लोग बनाएंगे। जैसे 15 के बाद आएगा 30, उसके बाद 45, देन 50, देन 60, 45 के बाद 60, देन 75। तो कितने एंगल्स बनेंगे, 15, 30, 45, 60, 75, इन सब के बीच का इंटरवल 15 डिग्री है, बिकॉज हमारा इंटरवल 15 डिग्री दिया था। सो 15 डिग्री के बाद हम लोग बनाएंगे 30 डिग्री, देन 45, 30 के बाद 45, देन 60, एंड देन 75। ओके, तो ये हमने सारे अपने पॉइंट्स लगा लिए। अब हम स्केल को यूज़ करके, रूलर को यूज़ करके सारे एंगल्स अपने सेंटर पॉइंट से मिला देंगे, सेंटर ऑफ द सर्किल है। तो ये हो गया हमारा 15 डिग्री। दिस वन इज 30 डिग्री, देन दिस वन इज 45 डिग्री, देन दिस वन
this one will be 60 degree line and this one is the last हमारा जो है ये हमारा point this will be 75 degree okay 60 and this is 75 तो हमारे सारे angles बन गए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सारे angles लिख लेंगे this is 15 degree this is 30 degree this is 45 this is 60 and this is 75 degree okay so इसको हम लोग ग्राफ कर देते हैं यहाँ पर ये हमें आगे कंस्ट्रक्शन करना है अब हम लोग क्या करेंगे इसके नाम रख देते हैं तो नाम रखने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच ओके अब ये एच वाली लाइन हम थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर देंगे विल एक्सटेंड दिस लाइन और जो हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल है स्टैंडर्ड पैरेलल इज 45 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल हमारे पास क्या गिवन है 45 डिग्री ओके तो स्टैंडर्ड पैरेलल वाला जो हमारा एंगल है जहाँ पर ये सर्कमफेरेंस से टच कर रहा है सर्कल की बाउंड्री से टच कर रहा है उसको हम लोग उस पर एक टेंजेंट बना देंगे क्या बना देंगे टेंजेंट तो ये टेंजेंट ये ए एच लाइन वाले पे टच करेगा सो ई यहाँ हमारा पॉइंट टच कर रहा था हमारा एंगल टच कर रहा था सर्कमफेरेंस से तो यहाँ हमने एक टेंजेंट बना दी जो कि हमारा ए एच वाली लाइन को टच करेगा तो इसको हम लोग नाम दे देंगे एच आई इसको हम लोग नाम दे देंगे आई ओके तो ये हमारा हो गया ये कंस्ट्रक्शन अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम लोग लेंगे बी सी डिस्टेंस विल टेक डिस्टेंस ऑफ बी सी यहाँ पर हम लोग ने अपने कंपस से और फिर हम लोग एक यहाँ पर आर्क लगा देंगे विल मार्क एन आर्क अब हम लोग क्या करेंगे विल टेक अ रूलर एंड विल टेक अ पेंसिल अब हम लोग क्या करेंगे जहाँ जितने जितने एंगल वाले 15, 30, 45, 60, 75 जहाँ जहाँ पर ये आर्क टच कर रहा है उससे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइंस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ए सी यहाँ पर टच कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग ने एक लाइन खींच दी सीधी हॉरिजॉन्टल ए एच की तरफ फिर 30 डिग्री से ये वाला देन 30 डिग्री ओके देन 45 देन 60 एंड देन इट इज 75 तो ये हम लोग ने बना लिए अब इसके हम लोग नाम रख देते हैं आई फिर जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस हम लोग ने ये नाम रख लिए सारे यहाँ पर ओके तो ये हमारा बन के तैयार हो गया हमारा एंगल्स वाला फिगर अब हम लोग बनाएंगे मेन प्रोजेक्शन यानी कि ग्रेटिक्यूल्स तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है जो हमारा ये वाले इंटरवल्स हैं जे के एल एम एन क्यू एन ओ एन ओ दीज विल बी यूज फॉर द मेकिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ओके एंड दिस इंटरवल विल बी यूज फॉर मेकिंग लैटिट्यूड्स अब हमारा जो एक्सटेंड था हम लोग एक्सटेंड दोबारा लिखते हैं 15 डिग्री नॉर्थ टू 75 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री ईस्ट टू 150 डिग्री ईस्ट तो हमारा जो प्रोजेक्शन बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा ऐसे हमारा ये पॉइंट है तो अगर हमने ये दोनों बाउंड्री खींच दी ऐसे तो ये हमारा आ जाएगा सबसे नीचे 15 डिग्री देन 30 45 एंड 75 ये नॉर्थ तो हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंड बन गया अब 30 डिग्री ईस्ट 150 डिग्री ईस्ट तो इसके बीच वाला हम लोग को देखना पड़ेगा इसके बीच में कौन सी लाइन लाई करेगी बिकॉज दोनों ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लॉन्गिट्यूड्स हैं तो हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे 150 30 0 5 3 8 और 1 और 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे 2 9 जा तो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है बीच वाला वो हो जाएगा 90 डिग्री ओके अब इधर एक की तरफ बनाएंगे 15 डिग्री के इंटरवल में 75 60 45 एंड 30 और इधर 90 प्लस 15 डिग्री यहाँ हो जाएगा हमारा 100 5 देन 120 देन 135 एंड देन यहाँ पर हमारा हो जाएगा 150 डिग्री तो 30 टू 150 डिग्री हमारे यहाँ पर भी लैटिट्यूड्स सॉरी लॉन्गिट्यूड्स बन के तैयार हो गए ओके तो ये हमने रफ फिगर बना लिया अपने प्रोजेक्शन का लोग बनाएंगे जो मेन हमारा प्रोजेक्शन है उसको तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हम लोग ने एक किसी भी लेंथ की स्ट्रेट लाइन खींच ली
यूजिंग पेंसिल। अब विल टेक आर कंपस। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो हमारा पॉइंट ये लिया है वहीं पर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे आई। ओके, अब 45 डिग्रीज अवर स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड पैरेलल, तो हम लोग ने ई आई वाली डिस्टेंस ली। वी टेक ई आई, ई पे पॉइंट रखा और आई। अब हम लोग आई से लेकर के यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाएंगे, दैट विल डिनोट आर स्टैंडर्ड पैरेलल, दैट इज 45 डिग्री। अब हम लोग बनाएंगे 15 डिग्री के इंटरवल पे अपने आगे के मेरिडियंस, सॉरी पैरेलल्स 15 डिग्री। अब इस ये 45 के ऊपर 60 या 75, तो दो ऊपर रहेंगे एंड दो ऊपर 45, 60 एंड 75, और दो नीचे 30 एंड 150। तो इसके नीचे एक 30 एंड एक 150। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग पहले ही सारे अपने लैटिट्यूड्स बना लेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पर ये बनाया, तो हमारा ये पहला लैटिट्यूड हो गया। आप लोग ध्यान से बनाइएगा, कंपास एकदम फर्म रख के। ये हमारा ये वाली लाइन होगी, कौन सी है ये, 60 डिग्री, 45 की बनी हुई है। देन ये हमारी हो गई, ओके ये हमारी होगी कौन सी लाइन। देन दिस इज अवर 15 डिग्री की लाइन। ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा कि आपके जो आर्क बनाए उसी के ऊपर ये इंटरसेक्ट करे। ओके, अब हम लोग ने क्या किया इसमें कोनिकल प्रोजेक्शन वन स्टैंडर्ड पैरेलल ने क्या किया था, जो हमारी स्टैंडर्ड पैरेलल थी वहाँ से आर पॉइंट रखा और इधर इधर हम लोग ने आर्स लगाए थे। और टू स्टैंडर्ड पैरेलल में हमने दोनों स्टैंडर्ड दो स्टैंडर्ड पैरेलल थी उसमें आर्स लगाए थे। यहाँ पर हमें सारे पैरेलल्स पे आर्क्स लगाने हैं, ओके, लॉन्गिट्यूड्स के। सो हम लोग वो करेंगे। सबसे पहले हमारा ये हमारी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये हमारी है 15 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 75। सबसे पहले हम लोग 15 डिग्री का लाइन, तो 15 डिग्री के लिए बनाने के लिए 15 डिग्री का एंगल ये वाला है और हम लोग जे एफ डिस्टेंस लेंगे। जे एफ डिस्टेंस लिया हम लोगों ने और यहाँ से यहाँ रखेंगे सेंटर मेरिडियन पे और इधर आर लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सिमिलरली इधर भी यही करेंगे हम लोग, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब हम लोग एल एन वाला डिस्टेंस लेंगे, एल एम वाला, 30 डिग्री वाला डिस्टेंस लिया हम लोग ने, उसको कम किया और अब 30 डिग्री वाली लाइन से हम लोग आर्क लगाएंगे यहाँ, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली इस तरफ भी 1, 2, 3 एंड 4। ये हो गया हमारा 90 डिग्री की लाइन, ये हो गया 105, 120, 135 एंड 150। यहाँ पर 90, 75, 60, 45 एंड 30। अब 45 डिग्री की लाइन पे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ से हम लोग ने मेजरमेंट लिया, कम किया और सिमिलरली इधर भी बनाएंगे। ओके, तो बेसिकली हमें करना क्या है, सारे ही मेरिडियंस पे जितने भी हमारे पैरेलल्स हैं, जितने भी हमारे लैटिट्यूड्स हैं, सब पे हमें यही काम करना है। यहाँ पर इतने एंगल, सारे एंगल्स बनाने का मकसद यही था कि सारे जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं सब पे लॉन्गिट्यूड के हम लोग मार्क्स लगाते हैं। उसके बाद 60 डिग्री की लाइन ये वाली है, तो हम लोगों ने यहाँ से डिस्टेंस लिया, कम किया और 4 इधर, 2, 3, 4। ओके, सिमिलरली यहाँ पर 1, 2, 3
ओके, अब लास्ट वाला डिस्टेंस लिया हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर लिया वन। बहुत थोड़ा डिस्टेंस होता है इसलिए बहुत मुश्किल से लगता है, इसको आप लोग ध्यान से लगाइएगा। ये फोर, देन यहाँ पर वन टू थ्री एंड फोर। आप लोग अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से मार्क लगाइएगा। अगर इधर 15 डिग्री और है, मतलब अगर मान लो 150 तक है तो एक और लगेगा चारों में। इधर अगर 30 के 15 डिग्री से है तो एक और लगेगा। सो जितना लैटिट्यूडल लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड आपको दिया है, आपको उस हिसाब से मार्क्स लगाने हैं। जो मेजर कंसर्न है, इन पॉइंट्स को मिलाना कैसे है। देखिए, इन पॉइंट्स को मिलाने के लिए दो मेथड्स हैं। एक मेथड जो टेक्निकल मेथड है, जो सब लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंच कर्व्स। फ्रेंच कर्व्स जो हैं, ये स्पेशलाइज्ड कर्व्स होते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। दीज आर फ्रेंच कर्व्स। ओके, ये जहाँ पर आर्किटेक्चर का सामान मिलता है स्टेशनरी पे, जहाँ पर फाइन आर्ट्स और आर्किटेक्चर के बच्चे सामान लेने जाते हैं अपना, वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। ये लगभग 100-120 रुपये तक मिल जाएंगे। और ये फ्रेंच कर्व्स जो होते हैं, इनको हम लोग ये प्रोजेक्शन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें 12 कर्व्स होते हैं। ओके, देख लीजिए ऐसे, ये दीज आर फ्रेंच कर्व्स। ये 12 ऐसे कर्व्स होते हैं जिनको हम लोग अपने अकॉर्डिंगली, जो जिस कर्व पे सारे पॉइंट्स आ रहे हैं उस कर्व पे लगा करके हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, ठीक। तो हम लोग को ये चेक करना होता है, जैसे दो टाइप के फ्रेंच कर्व्स आते हैं, एक तो जिसमें 12 कर्व्स अलग अलग होते हैं, एक फ्रेंच कर्व ऐसा आता है जिसमें दो फ्रेंच कर्व्स होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, जिसमें सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो हम लोग को इसमें से कोई एक फ्रेंच कर्व ऐसा होगा जो इसमें मैच कर रहा होगा। तो सारे फ्रेंच कर्व लगा लगा के देखने हैं कि कौन सा फ्रेंच कर्व इसमें हमारा मैच कर रहा है, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। जैसे हम लोग ये वाला फ्रेंच कर्व लगाया तो ये नहीं कर पा रहा है, ये देखिए कितने पॉइंट छूट जा रहे हैं। इधर लगाया, इधर कर ले रहा है। तो ऐसा हमें फ्रेंच कर्व ढूंढना है जो सारे पॉइंट्स को कवर अप कर ले, और फिर उससे हम लोग को इनको मिलाना है। तो फ्रेंच कर्व मैच करने के बाद हम लोग को ये वन नंबर का जो फ्रेंच कर्व है, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर, ये वन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वन। तो ये वाला फ्रेंच कर्व हमारा अप्रॉक्सीमेटली सारे पॉइंट्स मैच करा ले रहा है, तो हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पर रखा और ये सारे पॉइंट्स जब मैच, देखिए कुछ पॉइंट्स नहीं मैच होंगे तो उसके लिए परेशान ना होइए, बिकॉज आप मशीन तो है नहीं, इस वजह से सारे पॉइंट्स मैच ना हो ऐसा पॉसिबल है। तो अगर एक पॉइंट इधर उधर हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग ने दूसरा रखा, ठीक, और यहाँ पर हम लोग ने ऐसे मैच करा दिया, सारे पॉइंट को जोड़ दिया। फिर हम लोग ने ऐसे रखा और सारे पॉइंट को ऐसे छोड़ दिया। अब जिनके पास फ्रेंच कर्व्स अवेलेबल नहीं है, उनके के लिए एक और ऑप्शन होता है, वो होता है रिफिल का ऑप्शन। रिफिल का ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग एक रिफिल लेते हैं पुरानी, वी टेक दिस रिफिल। और एक्चुअली थोड़ा सा वैसा मेथड होता है, इसमें प्रॉपर बनता नहीं है, बिकॉज रिफिल हमारी बेंडेबल होती है, इसको हम लोग बेंड कर सकते हैं आसानी से। हम लोग जहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर हम लोग ऐसे रिफिल रख लेते हैं। ओके, और फिर हम लोग ऐसे करके ये सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक। लेकिन इसको बहुत ध्यान से बनाना होता है। अगर आपको फ्रेंच कर्व्स मिल रहे हैं तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो इससे भी काम हो जाता है। तो ये भी तरीका है इन प्रोजेक्शन को बनाने का, कि रिफिल से आप बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं तो हम हमारे पास कर्व्स हैं तो हम कर्व्स को यूज़ करेंगे। तो ये हमने बना लिया। अब इस इधर के लिए हम लोग इसको उल्टा कर लेंगे, ये पहला, दूसरा, ये हमारा तीसरा। एक पॉइंट नहीं मिल रहा है हमारा इधर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चौथा, ठीक। तो ये हमारा प्रोजेक्शन बन गया, सारे हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बना लिया। अब हम लोग इसमें इसको इसमें गंदी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको ड्रॉप कर देंगे, फिर हम लोग इसकी लेवलिंग करेंगे। ओके, तो इस फ्रेंच कर्व को यूज़ करके हम लोगों ने ये बोन्स प्रोजेक्शन बना लिया है। अब हो सकता है आपके टीचर्स कहें इसको ब्लैक पेन से बनाओ या ब्लैक स्केच से बनाओ या ब्लैक पेन से बनाओ, तो आप कुछ नहीं करिए, उसको आउटलाइन कर दीजिए। जब आप फ्रेंच कर्व यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली जो है ब्लैक पेन से बना दीजिएगा, तो इससे आपकी गंदगी नहीं रहेगी। और उसके बाद इसको रब कर देंगे तो ये जितने भी एक्स्ट्रा आर्क्स दिख रहे हैं आपको, ये नहीं दिखेंगे। अगर आपने इसको पेन से आउटलाइन कर दिया फिर रब कर दिया है सूखने के बाद, तब ये सारे आर्क्स हट जाएंगे और ये नीट एंड क्लीन डायग्राम बन जाएगा। ओके, सो हम लोग उसकी लेबलिंग करते हैं। ये हमारा 45 डिग्री स्टैंडर्ड पैडल है, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिया स्टैंडर्ड पैडल।
प्लीज़ एक चीज़ और, ये जितनी भी लाइंस हैं इनको हाथ से मत मिलाइएगा ऐसे करके, फ्री हैंड बहुत ही प्रॉब्लम होती है, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, नंबर कट जाते हैं, या तो फ्रेंच कर्व्स या फिर ये रिफिल वाला मेथड। ओके, इन्हीं दोनों को यूज़ करिएगा, फ्री हैंड मत बनाइएगा। 45 डिग्री यहाँ पर, 60 डिग्री यहाँ पर, 75 डिग्री यहाँ पर, 30 डिग्री यहाँ पर, 15 डिग्री ये नॉर्थ एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्थ। ये हमारा 90 डिग्री है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये हमारा है 105 डिग्री, 15-15 डिग्री के इंटरवल पे, 120 डिग्री, 135 डिग्री एंड दिस इज 150 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये हमारे बोनीज प्रोजेक्शन बन गया। नीचे हम लोग लिख देंगे आरएफ, आरएफ क्या था, 1:125000000। ये हमारा हो गया बोन्स प्रोजेक्शन बन के तैयार। अब हम लोगों ने इसमें बेसिकली क्या किया, जो हमारा रेडियस आया था हम लोगों ने उसकी लाइन खींची, फिर 15 डिग्री के इंटरवल पे सारे एंगल्स बना दिए। एंगल्स किस हिसाब से बने, हमारे लैटिट्यूडल एक्सटेंड के हिसाब से, 15 से 75 था तो 15, 30, 45, 60, 75, 15-15 का इंटरवल जो दिया था उसके बेसिस पे। फिर बीसी का आर्क, बीसी की डिस्टेंस लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर एक आर्क बनाया, और फिर इन सारे एंगल्स को हम लोगों ने ये AH वाली लाइन से मिला दिया। स्टैंडर्ड पैरेलल बनाने के लिए हम लोगों ने ये जो हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल वाला एंगल है, यहाँ से हम लोगों ने ये AH पे एक टेंजेंट बनाया, और फिर हम लोगों ने प्रोजेक्शन बनाया। एक आई पॉइंट लिया जहाँ से हम लोगों ने EI वाला डिस्टेंस मेजर करके यहाँ से एक स्टैंडर्ड पैरेलल बनाई। उसके बाद 15 डिग्री इंटरवल पे ऊपर नीचे अपने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से हम लोगों ने लैटिट्यूड्स का आर्क लगाए और लैटिट्यूड्स का सेमी सर्कल्स बनाए। उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स के लिए हम लोगों ने जिस लैटिट्यूड पे से 15 डिग्री पे हम लोगों ने ये वाला डिस्टेंस लेकर के लॉन्गिट्यूड्स कंस्ट्रक्ट किए। 30 वाले पे हम लोगों ने यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स के आर्क्स बनाए। फिर सारे के लिए हम लोगों ने ऐसे बनाया, फिर फ्रेंच कर्व्स या ये रिफिल्स को यूज़ करके हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया बोनीज प्रोजेक्शन। हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूज़ को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में स्केल इज ट्रू एट स्टैंडर्ड पैरेलल एज वेल एज द लैटिट्यूड्स। यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है, जैसे हमारा ये प्रोजेक्शन था, तो ये हमने मान ली स्टैंडर्ड पैरेलल। स्केल इसकी जो है स्टैंडर्ड पैरेलल पर भी ट्रू है और सारे पैरेलल्स पर भी ट्रू है, सारे लैटिट्यूड्स पे इसकी स्केल ट्रू होती है, जो कि कोनिकल प्रोजेक्शन 1 स्टैंडर्ड पैरेलल 2 स्टैंडर्ड पैरेलल इन दोनों पे नहीं होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड पैरेलल पर ट्रू होती है। यहाँ पर सारे पैरेलल्स पर स्केल ट्रू होती है, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, सेंट्रल मेरिडियन पर स्केल ट्रू होती है, ऐसे ही हम लोगों ने सेंट्रल मेरिडियन बनाई, दिस इज अवर 90 डिग्री सेंट्रल मेरिडियन, यहाँ पर स्केल ट्रू होती है इस मेरिडियन के अलावा। लेकिन अगर हम लोग इसके इधर मूव करते हैं, गैस के इधर मूव करते हैं लेफ्ट या राइट, देन डिस्टॉर्शन देखने को मिलते हैं, विकृतियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, इट इज़ होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, इक्वल एरिया, यहाँ पर हम लोग इक्वल, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया कि इक्वली एरिया जो हमारा ग्लोब पे है और जो हमारा मैप पे है विद रिस्पेक्ट टू स्केल हम लोग दिखा सकते हैं, और इस पे एक टाइम पे एक ही हेमिस्फीयर हम लोग दिखा सकते हैं, ओनली वन हेमिस्फीयर कैन बी सीन, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये प्रोजेक्शन हम लोग यूज़ क्या करते हैं, इट इज़ मोस्टली यूज फॉर मेकिंग मैप्स ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंटिनेंट्स और कंट्रीज के मैप्स बनाने के लिए हम लोग काम यूज़ करते हैं। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कंट्रीज विद लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जिन कंट्रीज़ का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा होता है उसके लिए ये बेस्ट सूटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड जो साउथ अमेरिका की कंट्री है जो वेस्ट कोस्ट पे है, ओके, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से, जैसे ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऐसे लगभग बहुत लंबा है, इसकी वजह से हम लोग इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेस्ट तरीके से हम लोग बोन्स प्रोजेक्शन यूज़ करके दिखा सकते हैं। तो याद रखिएगा, जिन जगहों का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है उसको दिखाने के लिए हम लोग बोन्स प्रोजेक्शन को जनरली यूज़ करते हैं। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर दोज थिंग्स, दोज कंट्रीज। सो ये हो गया बोन्स प्रोजेक्शन, इसका हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन, कैलकुलेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस को डिस्कस किया। ओके, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर दीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।